लोकसभा और विधानसभा की तरह ही ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को इस बार नामांकन दाखिल करने से पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा, जिसका ब्यौरा और चुनाव खर्च हिसाब चुनाव आयोग को देना होगा। पंचायत चुनाव में पहली बार प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र और पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों को अलग से खाता खोलना होगा। पंचायत चुनाव में ये पहली बार व्यवस्था लागू हो रही है। इससे पहले पंचायत चुनावों में चुनावी खर्च को लेकर कोई खास दिशा निर्देश नहीं थे और ना ही अलग से बैंक खाता खोले जाते थे। इसके अलावा चुनाव खर्च का ब्यौरा भी उन्हें नहीं देना पड़ता था। इस बार आयोग ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। चारों तरह के पदों के प्रत्याशियों को अपना एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशियों को इस खाते के माध्यम से ही चुनावी खर्च करने होंगे। इसका ब्यौरा सहायक निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी हर प्रत्याशी को एक रजिस्टर उपलब्ध कराएगा। इसमें निर्धारित प्रारूप पर उन्हें खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ आयोग नोटिस जारी करेगा। नोटिस का जवाब न मिलने पर जमानत जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही आचार संहिता लगने से शुक्रवार को जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में होने वाले नए विकास कार्यों पर रोक लग गई। हालांकि जो कार्य पहले से जारी हैं, वो सभी पूरे किए जाएंगे, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों में कोई भी नया विकास कार्य कराने के लिए अब टेंडर जारी नहीं कर सकेगा। यानी जो बजट बचा हुआ है वो किसी भी नए कार्य में खर्च नहीं होगा। हालांकि ग्राम पंचायतों में पहले से ही बहुत सारे विकास कार्य जारी हैं, जो अभी पूरे नहीं हो सके हैं, लेकिन इन सभी कार्यों को बिना किसी रोक के पूरा किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।